जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम और इस फारसी एडुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भिन्न। ठीक है, भिन्न का तो वीडियो चल ही रहा है, ये पार्ट फोर आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। और तीनों वीडियो का जो पहले पढ़ा चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों। और हम आज पढ़ेंगे सतत भिन्न, वितत भिन्न, और सतत भिन्न या वितत भिन्न, और या उसी को लंगड़ी भिन्न भी बोलते हैं। तो सतत वितत लंगड़ी, चलिए आइए देखते हैं। हाँ, सिंप्लीफिकेशन में मैं ऑलरेडी इसको पढ़ा चुका हूँ, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां सिंप्लीफिकेशन में मिल जाएगा आपको। और मैं अलग से भी जो इस टाइप का क्वेश्चन बताया हूँ आपको लिंक दे दूंगा हाईलाइट करके, और आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैं आज तो क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि भिन्न पढ़ा रहा हूं, तो भिन्न का ही पार्ट है। सिंप्लीफिकेशन में बहुत लोग भी पढ़ाते हैं, और सिंप्लीफिकेशन का पार्ट में भी इसको दिया जाता है, पूछा जाता है, क्वेश्चन रहता है, बुक वगैरह में दिया है इस प्रकार। लेकिन खासकर भिन्न की बात हो रही है तो भिन्न का प्रकार में ये आता है, आपको बताया भी था। तो सतत, वितत, लंगड़ी, तीनों में से किसी का भी नाम ले सकते हैं, सतत भिन्न या वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न। टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे आते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं, क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ाएंगे, पहले बेसिक मेथड समझेंगे और बेसिक के बाद सीधे हम आएंगे ट्रिक पे। ट्रिक तो बताना ही बताना है हमको, क्योंकि सेकेंडों में कैसे सॉल्व करेंगे, सेकेंडों में सॉल्व करना है ना, तो सेकेंडों में तो सॉल्व करना है, तो इसके लिए ट्रिक चाहिए। सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं, फिर ट्रिक पे आते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, देखिए प्यारे बच्चों, हम इसको करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन को हम अच्छे से समझते हैं, करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, हम इसको पहले बेसिक से सॉल्व कर ले प्यारे बच्चों। तो देखना ये क्या दिया है बच्चों, एक बटा तीन प्लस एक बटा वन प्लस एक बटा सोलह, ये एक बटा एक हो सकता है? आप बोलेंगे हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, सोलह और एक का एलसीएम सोलह होगा। ठीक है, एक सोलह, हाँ सोलह, और सोलह में एक से गुना करिएगा तो सोलह, सोलह एकम सोलह, भागफल एक आया, एक में एक से गुना करेंगे एक, और बटा ऊपर एक है और प्लस तीन है। ठीक है, और सबका बटा एक ऊपर भी है। ठीक है, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप देखते हैं बच्चों, तीन, ये सोलह एक सत्रह बटा सोलह, चलिए लिख ही देता हूँ, ज़्यादा बताने की क्या ज़रूरत है जब बेसिक से बताना है आप लोगों को, तो सत्रह हो गया। ठीक है, अब ये तो आंसर में है, एक अकेले है तो एक बटा एक हो जाएगा, ध्यान बस देते रहिए, देखते रहिए, एक बटा एक, और ये पलटी मारेगा, यानी ये भाग है ना, तो भाग को जब गुना में लिखेंगे आप तो ये सोलह बटा सत्रह हो जाएगा। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते रहिए, सॉल्व करके पूरा दिखाते हैं आप लोगों को। तीन और प्लस सोलह एकम सोलह, सत्रह एकम सोलह, यानी सोलह बटा सत्रह बटा एक। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे तो सत्रह एक का एलसीएम सत्रह होगा, सत्रह एक सत्रह सत्रह, और सत्रह तीन इक्यावन, और सत्रह एकम सत्रह प्लस सोलह बटा, ठीक है ऊपर वन है, वन लिख दीजिए प्यारे बच्चों, एक अकेले है तो एक बटा एक कर दीजिए, और नीचे अपना आंसर में तो है ये है, यानी इक्यावन में सोलह जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा दस साठ हो गया, दस साठ हो गया, और छ छियासठ, छियासठ एक सड़सठ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सड़सठ बता सत्रह। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए एक बटा एक, और जैसे इसे गुना में लिखेंगे तो ये पलटी मारेगा, यानी सत्रह बटा सड़सठ, सत्रह एकम सत्रह, सड़सठ एकम सत्रह, सत्रह बटे सड़सठ। ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, चलिए हम चेंज कर देते हैं, ऑप्शन में नहीं है तो सत्रह बटा सड़सठ कर देते हैं हम सी को। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ आपका जा रहा है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, अब देखिए इसी को हम ट्रिक से बताएंगे आप लोगों को। तो ये तो बेसिक हो गया, बेसिक तो जानना ही जानना था, अब इसी क्वेश्चन को सेम हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। फिलहाल तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटा देता हूं। अब बात करते हैं बच्चों ट्रिक की, तो देखिए ट्रिक की बात कर लेते हैं। ट्रिक लगाने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका यहां वन वन होना चाहिए। ठीक है, यहां और यहां क्या होना चाहिए, वन
होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्लियर होना चाहिए। यहां भी वन होना चाहिए, मतलब वन वन वन, तीनों वन होना चाहिए। अगर यहां पांच भी रहेगा तो चलेगा, पांच गुने एक लिख देंगे, वो बात की बात है। पहले तो ये जान लीजिए कि यहां और यहां तो वन कंपल्सरी है, यहां वन कंपल्सरी है, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार होना चाहिए, इतना ऊपर में वन बटा ये टोटल होना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक और सोलह लास्ट वाले टर्म को ना हम लिख देंगे जैसे के तैसे, एक और सोलह लिख दिया, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। एक सोलह, अब देखिए यहां क्या है, वन है, यहां क्या है, तीन है, तो आप जो सेकंड संख्या लिखी है ना ये प्लस वन है। देखिए इसके पहले प्लस है, प्लस वन लिख दीजिए, प्लस वन कोई दिक्कत नहीं है। और यहां कितना है, प्लस तीन, तो प्लस तीन लिख दीजिए बगल में। आप कहेंगे देखिए एक दो, दो संख्या है ना, तो यहां दो ठो डैश लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तीन रहता तो तीन को डैश लगा देते, चार रहता तो चार ठो डैश लगा देते। अब देखिए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, यहां प्लस में है और यहां भी प्लस में है, तो पहला प्लस है तो सो देखिए क्या करना है, सोलह एकम सोलह और सोलह एकम सोलह और सोलह में एक जोड़ दीजिए ये वाला तो सत्रह। अच्छा अगर यहां माइनस रहता तो एक घटा देते, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, यहां भी प्लस में है तो सत्रह तीन इक्यावन और सोलह, देखिए इसमें इसमें गुना नहीं करना है, इसमें इसमें गुना करना है, सत्रह तीन इक्यावन और ये वाला सोलह जोड़ना है, ना कि इसको गुना करके जोड़ना है, गुना करके नहीं जोड़ना है प्यारे बच्चों। तो सत्रह तीन इक्यावन, ठीक है, और इक्यावन और सोलह सड़सठ, बस हो गया सॉल्व। अब करना क्या है, सेकेंड लास्ट, यानी ये लास्ट है और ये क्या है, सेकेंड लास्ट है, ठीक है। तो ये जो है ना सेकेंड लास्ट यानी नीचे से दो नंबर पर, सेकेंड लास्ट का मतलब होता है, तो ये लास्ट वाले से दो नंबर पे, ठीक है, इधर से दो नंबर, लास्ट मतलब आखिरी से दो नंबर, लास्ट बोले तो सही, अगर मीनिंग देखे लास्ट मतलब आखिरी, तो आखिरी से अंतिम से दो नंबर पर, यानी सेकेंड लास्ट रहेगा अंश में और लास्ट वाला रहेगा हर में, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, सत्रह बटा सड़सठ, एक लाइन में आंसर आ गया। नोट डाउन करिए, अब क्वेश्चन कराएंगे प्रैक्टिस, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों आइए देखते, देखिए प्यारे बच्चों अब ट्रिक से सीधे बनाते हैं। चलिए ऑप्शन आप लोगों के सामने नहीं है, ऑप्शन मैं लिख देता हूं, चलिए एक मिनट ऑप्शन आप लोगों को लिख देता हूं। चलिए बच्चों करते हैं, ट्रिक लगाते हैं। देखिए इस वाले को लिख देते हैं पहले जैसे कि तैसे, एक और आठ को, अब यहां क्या है प्लस वन तो प्लस वन लिख दीजिए, यहां क्या है प्लस दो तो प्लस दो लिख दीजिए, मतलब यहां माइनस भी हो सकता था तो माइनस दो लिखते, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर यहां माइनस दो रहता तो यहां माइनस दो लिखते, लेकिन यहां प्लस ही है तो प्लस दो लिखिए, ठीक है। अब एक दो, दो ठो है ना, तो दो ठो डैश लगा दीजिए। अब हम बात करते हैं आठ एकम आठ और एक जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहां जोड़ का साइन है, तो आठ एकम आठ एक नौ और नौ दूनी क्या अठारह, अठारह आठ, अठारह में आठ जोड़िएगा छब्बीस, जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि यहां जोड़ का साइन है, तो नौ दूनी क्या अठारह, अठारह आठ छब्बीस। अच्छा प्यारे दोस्तों अगर यहां माइनस रहता तो नौ दूनी के अठारह में से आठ को घटाते, यहां माइनस रहता ना तो नौ दूनी के अठारह में से आठ को घटाते, छब्बीस आ गया। अब हो गया सेकेंड लास्ट अंश में और लास्ट वाला हर में, दैट्स ऑल आंसर, नौ बटा छब्बीस ए के साथ जा रहा है। नोट डाउन करिए, चुटकियों में बनेगा, मैं बता रहा हूं ना। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले को कैसे लिखेंगे, एक और आठ लिख दिए। अब देखिए कितना है, एक दो तीन, तो एक दो तीन, तीन को डैश लगा दिए बगल में। अब पहला प्लस वन है, दूसरा भी प्लस वन है और तीसरा भी प्लस थ्री है, तो लिख दीजिए, यानी ये माइनस वन देता है, माइनस वन लिखते, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब चलिए आठ एकम आठ और आठ में एक जोड़ेंगे, जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है, तो आठ एकम आठ, आठ में एक जोड़ेंगे तो नौ, नौ एकम नौ और नौ में आठ जोड़ेंगे तो कितना होगा सत्रह। आप कहेंगे सर जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ भी जोड़ है। अब आइए सत्रह तीन इक्यावन और नौ साठ, जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ भी जोड़ है। अब सत्रह बटा सात सेकेंड लास्ट अंश में और लास्ट वाला हर में, डेट्स ऑल आंसर डी के साथ जाएगा।
नोट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए इस वाले को क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ वन वन वन, ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि वन वन है कि नहीं। अगर यहाँ वन वन नहीं रहेगा ना तो नहीं लगेगा ये ट्रिक, साफ और क्लियर कॉन्सेप्ट रखिएगा। चलिए आइए एक और चार को लिख दीजिए, एक और चार को लिख दिया। अब बात करते हैं एक दो तीन, तो एक दो तीन, अब यहां प्लस दो है तो प्लस दो, प्लस एक है तो प्लस एक, प्लस तीन है तो प्लस तीन, चार दूनी के आठ, और आठ में एक जोड़िएगा तो जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि यहां जोड़ है, पहला जोड़ है तो पहला जोड़ दिए, नौ एकम नौ और नौ चार तेरह, जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि यहां जोड़ है, तेरह कर दीजिए, तेरह तीन उनतालीस, उनतालीस नौ अड़तालीस, जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि यहां भी जोड़ है। हो तो गया क्वेश्चन खत्म, सेकेंड लास्ट अंश में और लास्ट वाला हर में, तेरह बटा अड़तालीस किसके साथ जा रहा है, ए के साथ जा रहा है। दैट्स ऑल, नोट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमेशा की तरह ये क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, एबीसीडी ऑप्शन मौजूद है, जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका नेक्स्ट वीडियो में नाम लूंगा, ठीक है, तो तुरंत कमेंट करके बताइए। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और तीन लिख दीजिए, चलिए लिख दिया, एक दो तीन, तो एक दो तीन, अब यहां कितना है प्लस थ्री, यहां कितना है प्लस थ्री, और यहां कितना है प्लस थ्री, तीन तीन के नौ में से एक घटाएंगे, क्योंकि यहां क्या है घटाव है, तो तीन तीन नौ में से एक घटाएंगे तो आठ, ठीक है, आठ तीन के चौबीस में तीन जोड़ेंगे तो चौबीस तीन सत्ताईस, जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि यहां जोड़ है दूसरा में, और तीसरा में भी जोड़ है तो जोड़ेंगे, सत्ताईस तिया सत्र के इक्कीस के एक हाथ में दो तीन, तीन दोनी के छः और दो आठ, इक्यासी हुआ, और इक्यासी में आठ जोड़ेंगे, सत्ताईस तिया इक्यासी, इक्यासी में आठ जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ जोड़ है, तो आठ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा नवासी, इक्यासी में आठ जोड़ेंगे तो कितना होगा 89, ठीक है। अब चलिए सेकेंड लास्ट बटा लास्ट, सत्ताईस बटा 89 किसके साथ जाएगा, बी के साथ, बुला दीजिए क्वेश्चन को ऐसे ही देखते ही देखते चुटकियों में। चलिए नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, एक 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 है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब लेकिन ये एक एक्स्ट्रा है, कहिएगा क्यों, अभी तक आपने ध्यान ही नहीं दिया, हमने बोला ना देखिए जितना क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना सब इतना ही था, एक बटला में था ऊपर और उसके नीचे ये सीरीज थी, लेकिन ये वन है ना जो एक्स्ट्रा है, क्वेश्चन पीछे करके देख लीजिए और बार बार देखिए, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए, और जो भी क्वेश्चन बदलेगा उसको भी ध्यान में रखिए, जो कर रहे हैं उस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन की सीरीज क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन है और कैसे पलट रहा है क्वेश्चन को। देख ले यहाँ वन माइनस एक्स्ट्रा कर दिया, अब बच्चों इतना में तो वही फॉर्मूला लगेगा तो लगा दीजिए वन और टू, इसको लिख दीजिए। अब चलिए प्लस वन है, पहले एक दो तीन, तो एक दो तीन, एक दो तीन, तो एक दो तीन, अब यहाँ प्लस वन है तो प्लस वन, प्लस वन है तो प्लस वन, प्लस वन है तो प्लस वन, कोई दिक्कत नहीं है। अब दो एकम दो, और दो में से एक घटेगा क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो दो में से एक घटेगा तो एक, एक एकम एक, और एक में से दो घटेगा तो माइनस एक, याद रखिएगा एक में से दो घटेगा तो माइनस एक, यहां भी लिख देता हूं कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए घटाए क्यों है, क्योंकि माइनस है, यहां भी घटाएंगे क्योंकि माइनस है, एक में एक से गुना करिएगा तो माइनस एक, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और घटाएंगे माइनस एक, ठीक है, तो माइनस एक कितना हो जाएगा माइनस दो, यानी है क्या आएगा माइनस दो। अब देखिए सेकेंड लास्ट बटा लास्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर नीचे माइनस वन से गुना कर दीजिए, चलिए हम हटा देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं एक बटा दो, ऊपर नीचे माइनस वन से गुना करने पर हो जाएगा, चलिए प्लस हो गया एक बटा दो, एक बटा दो तो हमें मिल गया, मतलब इसका मान मिला एक माइनस एक बटा दो, समझ में आया प्यारे बच्चों। अब यहाँ इसको इसका मान एक बटा दो और बगल में एक है, लिख दिया, चलिए अब इसको क्या कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा ध्यान से, एक बटा एक, एक दो का एलसीएम दो, और दो
एक एक दू एक में दो से भाग करेंगे भागफल दो आएगा, दो एक कम दो, और दो में दो से भाग करेंगे एक आएगा, एक में एक से गुना करेंगे एक, दो में से एक जाएगा एक, एक बटा दो किसके साथ जा रहा है ऑप्शन सी के साथ। नोट डाउन करिए, थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब इसी टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कुछ अलग अलग टाइप का। चलिए नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, ये तो ठीक है लेकिन ऊपर वन होना चाहिए तो 17 है, तो घबराने का बात नहीं है। देखिए इसमें गुना एक लिख सकते हैं ना। अब ये जो सीरीज मिली हमें, ये तो हम अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं ना, ये सीरीज हम सॉल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना तो हम अभी तक सॉल्व करते आ रहे थे, इतना को सॉल्व कर लेंगे हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, अब सिंपल है, एक बटा 17 गुना एक लिख सकते थे, अब जो इसका मान आएगा उसमें 17 से गुना कर देंगे, तो इसको तो सॉल्व करने हमें आता है ना। एक पांच एक दो तीन, तो एक दो तीन, अब ये प्लस वन है और प्लस वन है, तो लिख दीजिए डरिए मत। और पांच एकम पांच और एक छ, क्योंकि यहां जोड़ है तो जोड़ेंगे, छ एकम छ और पांच ग्यारह, जोड़ है तो जोड़ेंगे, ग्यारह एकम ग्यारह और छ सत्रह, यहां जोड़ है तो जोड़ेंगे, क्या आएगा ग्यारह बटा सत्रह, आया ना ग्यारह बटा सत्रह। अब देखिए क्या करना है, अब ग्यारह बटा सत्रह ऑप्शन रहेगा, खट से मत मार दीजिएगा, हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा, क्योंकि देखिए सत्रह गुना में है ना, तो हमें इतना का मान आया है ग्यारह बटा सत्रह, यहां बगल में सत्रह गुना में भी है, क्योंकि यहां वन होता है ना, जो ट्रिक लगाते हैं हम उसमें क्या होता है वन होता है। बैक करिए क्वेश्चन, जाकर देखिए पिछला क्वेश्चन भी, उसके पहले वाला क्वेश्चन भी जाकर देख लीजिए, मतलब शुरू का क्वेश्चन देख सकते हैं, पीछे जाकर जरूर ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट। यहाँ वन होता था तो वन नहीं है तो सत्रह था, सत्रह गुना एक कर दिया, इसका मान निकाल लिया और इसका मान निकल गया, तो सत्रह से गुना भी करना है, सत्रह गुना में है तो सत्रह से गुना कर दिए, सत्रह से सत्रह कैंसिल आउट, क्या आएगा ग्यारह इज द आंसर। किसके साथ जा रहा है, बी के साथ जा रहा है। नोट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या सॉल्व किया था, यहां वन था तो देखिए हम इसको तो सॉल्व कर सकते हैं ना, उसमें पांच से हम क्या करेंगे गुना कर देंगे, कोई दिक्कत। अब पांच से गुना करने के बाद एक एक में से घटा देंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। एक और तीन को लिख दीजिए एज इट इज, एक दो तीन, एक दो तीन, प्लस दो से गुना, प्लस दो यहां लिखेंगे, यहां प्लस चार लिखेंगे और यहां प्लस सात लिखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तीन दुनी के छह, छह में से एक जाएगा, सॉरी प्लस है तो जोड़ेंगे, तीन दुनी के छह एक सात, सब में जोड़ है तो जोड़ते चलिए आंख बंद करके, सात चौका अट्ठाईस और तीन इकतीस, सात एकम सात सत्तरी के इक्कीस, दो सौ सत्रह, दो सौ सत्रह में सात जोड़िएगा तो दो सौ चौबीस, तो क्या आएगा इकतीस बटा दो सौ चौबीस, सेकेंड लास्ट अंश में और लास्ट वाला हर में। अभी किसका मान आया, जिसको घेरे हैं इसका मान आया, गुना में पांच भी है तो गुना पांच और माइनस एक भी है तो माइनस एक, अब पांच से इसमें गुना कर दीजिए, एक बटा एक लिख दीजिए एक को, और पांच एकम पांच और पांतिया पंद्रह और बटा दो सौ चौबीस, एक और दो सौ चौबीस का एलसीएम दो सौ चौबीस, ठीक है। अब एक में दो सौ चौबीस से गुना क्या करिए, एक में दो सौ चौबीस से भाग करेंगे तो दो सौ चौबीस आएगा, दो सौ चौबीस में एक से गुना करिएगा तो दो सौ चौबीस आएगा, और दो सौ चौबीस में दो सौ चौबीस से भाग करिएगा एक, और एक में एक सौ पचपन से गुना करिएगा तो एक सौ पचपन, और जब इसको घटाइएगा तो क्या आएगा आपका पांच और चौदह, नौ पांच चौदह और यहाँ ग्यारह, छ पांच ग्यारह और एक बचेगा यहाँ तो एक में से एक जाएगा जीरो, दो सौ चौबीस, उनहत्तर बटा दो सौ चौबीस किसके साथ जा रहा है, बी के साथ। नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बटा दो को एजिटिज लिख दीजिए, देखिए तो सेम है, ऊपर भी वन है तो एक बटा दो को, यानी एक और दो, अब कितना एक दो तीन, तो तीन ठो लाइन खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अब क्या होगा, प्लस दो है, प्लस दो है और प्लस दो है, अब यहाँ माइनस है तो घटेगा, दो दूनी के चार, चार में से एक घटेगा तीन, और सब प्लस है तो जोड़ दीजिए, तीन दूनी के छः दो
आठ, आठ दूनी के सोलह और तीन उन्नीस, क्या आंसर आएगा? आठ बटा सेकेंड लास्ट अंश में और लास्ट वाला हर में, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, यानी आठ बटा उन्नीस किसके साथ जा रहा है? बी के साथ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक और छह को एज इट इज लिख देंगे, अब क्या बचा? वन और वन, देखिए ये एक्स्ट्रा है वन, तो पहले इसका मान निकलेगा, याद रखिएगा, ठीक है, बाद में वन जोड़ देंगे। अब चलिए देखते हैं, एक और छह लिख दिया, अब ये दो ठो है तो एक और दो, पहला है प्लस वन और दूसरा में भी प्लस वन है, लिख दिया, इसको घटाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस है, छः एकम छः, छः में से एक जाएगा पाँच, अब प्लस है तो जोड़ेंगे, पाँच एकम पाँच और छः ग्यारह, क्या आया इसका मान? पाँच बटा ग्यारह, बगल में प्लस वन है, ठीक है। देखिए आंसर पूर्णांक में भी है तो सीधे पता है ना, एक पूर्णांक पाँच बटा ग्यारह हो जाएगा, यानी ए के साथ जाएगा, कैसे आपको पता होना चाहिए, चार पूर्णांक तीन बटा दो है, इसका मतलब होता है चार प्लस तीन बटा दो, दो पूर्णांक एक बटा दो है, इसका मतलब है दो प्लस एक बटा दो, पूर्णांक का मतलब यहाँ प्लस होता है, जरूर याद रखिएगा। चलिए डायरेक्ट यहाँ आंसर आपका हो गया ए के साथ, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रखिए, बेसिक चीजों को याद रखिए, जो ठीक बताते हैं उसको जरूर ध्यान में रखिए, यानी ये एक प्लस है, प्लस का मतलब होता है पूर्णांक, डायरेक्ट आंसर निकल गया। क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ हाँ घबराना नहीं है इसमें, एक बटा तीन नहीं लिखना है, थोड़ा सा यहाँ सावधान भाग में है। चलिए तो हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे, इसका पहले मान निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम इसका मान निकालेंगे तो क्या आएगा? देखिए इसका मान निकालते हैं तो एक भागा एक बटा तीन, यानी एक गुना में बदलेगा तो तीन बटा एक, यानी तीन, इसका मान क्या आया? तीन। चलिए अब मान हमारा क्या बचा? नीचे वाला एक भागा, इसका मान तीन आया तो एक बटा तीन बचा। देखिए हम स्टेप वाइज सॉल्व करते चल रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा? एक गुना तीन बटा एक हो जाएगा, एक बटा तीन, यानी क्या आएगा? तीन ही आएगा, यानी पूरा का मान क्या आ गया? इस पूरे का मान ध्यान रखिएगा, पूरे का मान क्या आ गया? तीन। अब एक भागा एक बटा तीन, क्योंकि इस सब का मान कितना आ गया? तीन, तो एक भागा एक बटा तीन, अब एक गुना बदलेगा तो तीन बटा एक, यानी तीन, तो फाइनली मान क्या आया सबका? तीन ही आया। समझ में आया? आया समझ में? चलिए फिर से देख लीजिए, इसका हम सॉल्व किए तो क्या मिला? एक भागा एक बटा तीन, यानी एक भाग गुना में बदलेगा तो तीन बटा एक, तीन हो गया, इसका मान तीन हो गया। चलिए अब यहां रखेंगे एक भागा एक और इसका मान तीन, तो तीन, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, यानी एक भागा एक बटा, इसका मान तीन आया है तो तीन रख दिया, तो अब एक गुना तीन बटा एक हो जाएगा, जैसे भाग गुना होगा तो ये पलटी मारेगा, यानी तीन, तीन आया, यानी अब हम इस पूरे का आंसर कितना आया? तीन। तो एक भागा एक बटा पूरे का आंसर भी कितना आया? तीन ही आया। तो एक भागा एक बटा इस पूरा का मान तीन है तो तीन, एक गुना तीन बटा एक, ठीक है, क्योंकि भाग है गुना में बदलेगा तो क्या आया? तीन आया फाइनली आंसर। समझ में आया? किसके साथ जा रहा है? डी के साथ जा रहा है। तो हर जगह ट्रिक नहीं आएगा, कहीं प्लस के जगह भाग आ गया तो आप प्लस वाला ट्रिक मत लगा के चले आइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के एक आधे मिनट का काम है, सॉल्व हो जाएगा और आपको एक नंबर फ्री में दे जाएगा। नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेहद आसान क्वेश्चन है। x का मान निकालना है तो हम इतना का तो मान निकाल ही सकते हैं, पहले इसका मान निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, एक बटा चार, यानी एक चार लिख दीजिए, एक दो, एक दो, अब ये प्लस तीन तो प्लस तीन, प्लस एक तो प्लस एक, यहाँ भी जोड़ यहाँ भी जोड़ तो आंख बंद करके जोड़ दीजिए, चार तीन बारह और एक तेरह, तेरह एकम तेरह चार सत्रह, तेरह बटा सत्रह, यानी सेकेंड लास्ट अंश में और लास्ट वाला हर में, इसका मान अब दो इक्वल टू एक्स प्लस, इसका मान कितना आया? तेरह बटा सत्रह। यहाँ से एक्स का मान आराम से निकाल लीजिए, एक्स को उधर ही रखिए दो, और ये बराबर किधर आएगा तो माइनस तेरह बटा सत्रह, दो बटा एक कर लीजिए, दो सत्रह और एक कैल्शियम सत्रह, एक सत्रह हाँ सत्रह, सत्रह दूनी के चौंतीस, और माइनस सत्रह एकम सत्रह, एक तेरह हाँ तेरह, घटेगा तो कितना आएगा? इक्कीस और बटा सत्रह, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 21 बटा 17 पूर्णांक वाला में होगा इसका मतलब, तो 21 में 17 से भाग दे दीजिए, 17 एकम 17, 17 चार
एक पूर्णांक चार बटा 17 किसके साथ जा रहा है, देखिए तो डी के साथ जा रहा है। नोट डाउन, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। बहुत आराम से और सावधानी से दिमाग लगाना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, सॉल्व हो जाएगा सारा क्वेश्चन। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का एक बता देते हैं। और आइए दोस्तों, यहां भी x का मान निकालना है। देखिए तो यहां 1 नहीं है ना, तो यहां 1 से गुना कर दीजिए, कम से कम इतना का तो मान निकल जाएगा ना। और इतना का मान निकल गया तो हम क्या करेंगे, 2x से गुना कर देंगे, बहुत सिंपल। चलिए तो यहां तो फॉर्मूला लग ही जाएगा, 1 बटा 2 यानी 1 और 2 1 2 तो 2 को डैश लगा दीजिए, प्लस 1 और प्लस 1, देखिए यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तो प्लस में रहेगा तो 2 एकम 2 और 1 जोड़ेंगे क्योंकि प्लस में है, 3 एकम 3 और 2 जोड़ेंगे क्योंकि प्लस में है, 5। ठीक है, अब क्या आया, 3 बटा 5 आया, इसका मान 3 बटा 5 कितना गुना में है, तो 2x गुना में है और बराबर कितने के है, 1 के, 5 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, और 3 दुनी के 6x। ठीक है, x इक्वल टू 6 गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, यानी x का मान कितना आया, 5 बटा 6 किसके साथ जा रहा है, c के साथ। नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में मैं लूंगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए, सबसे पहले कमेंट करिए। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए, कमेंट करिए। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अलग टाइप का कुछ देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसमें नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।